तो हेलो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि यदि आप गूगल पे से पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, पैसा भेजने जा रहे हैं, तो आपका जो है ना पैसा मतलब खाते से कट भी नहीं रहा और कुछ टेक्निकल इशू या प्लीज रिट्राई इस तरह से लिख के आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा अच्छे से क्लियरली। यदि मेरा ट्रिक काम करी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दोस्तों करिएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बहुत ही अनुभव से निकाला है और बिल्कुल 100% वर्किंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ही बताऊं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी को पैसा यहाँ पे सेंड करने जा रहे हो, ठीक है, तो बार बार इस तरह से फेल्ड हो जा रहा है बार बार, ठीक है, इस तरह से पेमेंट प्रोसेसिंग या इस तरह से कुछ टेक्निकल इशू लिख रहा है, रिट्राई लिख रहा है, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ टाइम क्या करना है आज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक करना है, आपका कार्नर पे लोगो या फोटो कुछ भी दिखेगा इस तरह से, इस फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट का, सिंपल इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट का, इस बैंक अकाउंट पे हमको क्लिक करना है। अब जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है ना, उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव अकाउंट का, तो इस रिमूव अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ सेकेंड के लिए। अब हमको वापस से क्या करना है, वापस से यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है, वापस से बैंक अकाउंट पे आना है और यहाँ पे एड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और वही बैंक जो आपका भी यहाँ पे जिसको आपने रिमूव किया है, ठीक है, उसी पे क्लिक करना है। जैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको वही बैंक रिमूव करना है ना जिससे आपका पैसा है, मतलब पेमेंट आप करने जा रहे थे जिस बैंक से आपका पेमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब मेरा 2-3 अकाउंट लिंक था, दोनों तीनों दिखा रहा था, लेकिन मेरा स्टेट बैंक से जब मैं पेमेंट करने जा रहा था, किसी को पैसा भेजने जा रहा था, तो पैसा नहीं जा रहा था, तो मैं उसी बैंक को यहाँ पे रिमूव किया, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, बैंक को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेरा स्टेट बैंक था तो स्टेट बैंक पे क्लिक कर लेते हैं, फाइंडिंग बैंक अकाउंट करेगा और हमारा बैंक अकाउंट फाइंड करके ऐड कर देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट वापस से हमारा यहाँ पे ना ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हम यदि पेमेंट करने जाएंगे, आपको दिखाना चाहूँगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा पेमेंट आसानी से हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से करने जा रहा हूँ 1 रुपये पेमेंट और यहाँ से बैंक अपना ले लिया SBI और पे पे क्लिक किया और अपना जैसे हम UPI पिन यहाँ से दे देंगे, हमारा पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं पेमेंट फंसेगा नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल लाइव दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया और उम्मीद करूंगा हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई। यदि पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।